हेलो दोस्तों गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू स्वागत है आपका फिर से द क्रिएटिव नर्सिंग अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल टुडे वी आर हियर विद अ गुड न्यूज़ फॉर द ऑल राजस्थान सी एच ओ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स तो दोस्तों गुड न्यूज़ ये है कि गवर्नमेंट ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है जो कि इंसेंटिव से रिलेटेड है कि राजस्थान सी CHO, के जो सी हैं उनको पंद्रह हज़ार रुपये इंसेंटिव दिया जाएगा और उसकी पूरी डिटेल्स में हम बात करेंगे किस तरह से इंसेंटिव दिया जाएगा यहाँ पे इन्होंने पंद्रह पॉइंट्स बताए हैं पंद्रह इंडिकेटर्स बताए हैं जिनको पूरे करने पर आपको थाउजेंड रुपीज़ पर इंडिकेटर पंद्रह हज़ार रुपये पर मंथ दिए जाएंगे दोस्तों तो अगर आपने राजस्थान से एच ओ किया है तो आपका वीडियो आपके लिए ही है बिल्कुल भी स्किप ना करें आखिरी तक देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप सी एच ओ से बढ़कर नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं परमानेंट जॉब चाहते हैं तो आपको लिए ई एस आई सी और नोट सेट इंतज़ार कर रहे हैं आपका आपको पढ़ाई बिल्कुल भी बंद नहीं करनी है ऐसा नहीं कि सी एच ओ बन गए तो सर्वे सर्वा हो गई ऐसा कुछ नहीं है हमें आगे भी बढ़ने की हमेशा कुछ बेहतर करने की अच्छा बनने की कोशिश करते रहनी चाहिए तो आपका हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए और बेल आइकन पर प्रेस करना है सारी नोटिफिकेशन जिससे कि आपको समय समय पर मिलते रहे तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्या है पूरी मैं बात करूंगा थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है तो वीडियो के आप एंड तक बने रहे आपको सारी चीज़ें मैं बताने वाला सो वी आर राजस्थान सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राजस्थान यह पूरा ई मेल वगैरह है मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी समस्त जिले राजस्थान एच डब्ल्यूसी एंड वेलनेस सेंटर कार्यक्रम के तहत परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव तथा टीम बेस्ड इंसेंटिव भुगतान करने हेतु आज की डेट का ऑफिशियल लेटर है दोस्तों ओके उसके बाद यहाँ पर आ, क्या है डिटेल्स देख लेते हैं उपयुक्त विषय विषय अंतर्गत एवं संदर्भित पत्रांक में के क्रम में लेख है कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सभी प्रोग्रेसिव पीएचसी एच एवं शहरी स्वास्थ्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एम एक सौ उप स्वास्थ्य केंद्र एवं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर कार्यरत सी एच आशा का परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव तथा टीम बेस्ड इंसेंटिव देने का प्रावधान है इसके लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दी जा चुकी है भारत सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों अनुसार परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव तथा टीम बेस्ड इंसेंटिव का भुगतान पंद्रह इंडिकेटर ये पंद्रह इंडिकेटर हम आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं बिल्कुल किप नहीं करेंगे दोस्तों विरुद्ध अर्जित उपलब्धि पर दिया जाना है इस इंसेंटिव का भुगतान तय इंडिकेटर के आधार पर सशक्त किया जाना है जिसकी विस्तृत दिशा निर्देश संलग्न किए जा रहे हैं तो तथा आपको निर्देशित किया जाता है कि उपलोक्त निर्देशानुसार संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर सी एच ओ आशा को प्रत्येक माह इंसेंटिव का भुगतान करवाना सुनिश्चित करें ठीक है तो यहाँ पर आगे देखते हैं दोस्तों क्या है टीम बेस्ड इंसेंटिव एंड परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव भारत सरकार द्वारा एस एच सी एम एच डब्ल्यू सी पर कार्यरत सी एच ओ को परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव तथा प्राथमिक एवं उप स्वास्थ्य केंद्रों पर कार्यरत ए एन एम आशा को टीम बेस्ड इंसेंटिव देने का प्रावधान है भारत सरकार से प्राप्त गाइडलाइन के अंतर्गत निर्धारित पंद्रह इंडिकेटर्स पर उप स्वास्थ्य केंद्र परिवर्तित स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों पर नियुक्ति सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी ए एन एम एम आशा को परफॉर्मेंस टीम बेस्ड इंसेंटिव निम्नुसार दिया जाना है हम सी एच ओ की बात करें तो पंद्रह इंडिकेटर्स के लिए प्रतिमाह पंद्रह हज़ार रुपये एक हज़ार रुपये प्रतिमा प्रति इंडिकेटर अधिकतम एनएम एन के लिए तीन हज़ार रुपये प्रतिमा पंद्रह सौ रुपये सौ रुपये प्रति इंडिकेटर और पांच आशाओं के लिए पाँच हज़ार रुपये हज़ार रुपये पर आशा को मैक्सिमम गाइडलाइन के अंतर्गत पंद्रह इंडिकेटर्स पर पी परिवर्तित स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों पर नियुक्त एनएम एन आशा को टीम बेस्ड इंसेंटिव इस तरह से दिया जाना है ठीक है प्रति एन एम प्रति आशा सात सौ रुपये ठीक है यहाँ पर हमारे लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सीधा हम सी एच ओ की बात करेंगे तो गाइडलाइंस के अनुसार उपरोक्त पंद्रह में से सात इंडिकेटर्स का सर्विस डिलीवर आउटपुट का आंकलन दो स्तर क्रमशः सेवेंटी फाइव परसेंट एवं सौ प्रतिशत पर किया जाकर परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव दिया जाना है निर्धारित लक्ष्य को पूर्ण कर लेने पर सौ प्रतिशत इंसेंटिव का भुगतान किया जाएगा यानी कि आप जो आपको टारगेट दिया जाएगा उसको फुलफिल करने पर आपको हंड्रेड परसेंट इंसेंटिव दिया जाएगा सभी इंडिकेटर की गणना त्रिमासिक करें तथा इंसेंटिव का भुगतान भी प्रतिदिन माह यानी कि हर थ्री मंथ में आपको ये मिलेगा इंसेंटिव ओके प्रत्येक इंडिकेटर के लिए दिए गए न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर के आधार पर डी नोमिनेटर के आधार पर गन्ना एस एच सी का डाटा सी एच ओ द्वारा भरकर संबंधित पी एच सी के मेडिकल ऑफिसर को भेजा जाएगा ठीक है पी एच सी के मेडिकल ऑफिसर को भेजा जाएगा फिर पी एच सी का डाटा मेडिकल ऑफिसर द्वारा भरकर बी सी को भेजा जाएगा जहाँ से इंडिकेटर की प्रगति तथा तय इंसेंटिव की गणना ब्लॉक पर वेरीफाई कर संबंधित सी एच ओ एन एम आशा को भुगतान किया जाएगा यानी कि सबसे पहले पी एच सी जाएगा पी एच सी फिर बी सी एम ओ के पास जाएगा यानी कि जो सी एम ओ है ठीक है ब्लॉक सी एम ओ और फिर जो है आपको भुगतान किया जाएगा अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या इंडिकेटर्स हैं हमारे अभी देखेंगे ज़रूर यहाँ पे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है और सीधा मैं आपको ले जाता हूँ आपके जो इंसेंटिव्स यानी कि क्या क्या हमारे इंसेंटिव कैलकुलेशन किस तरह से किया जाएगा तो यहाँ पर बात करते हैं नंबर ऑफ ओ पी डी कैसेज इन मंथ नंबर ऑफ ओ पी डी कैसेज इन क्वार्टर और टोटल पॉपुलेशन यानी कि सिक्स पर सिक्स परसेंट जो है टोटल पॉपुलेशन का पर मंथ अगर आपकी ओ पी डी हो रही है तो सेवेंटी फाइव परसेंट उसको माना जाएगा और अगर आपकी एट परसेंट हो रही है टोटल पॉपुलेशन की ओ पी डी तो उसको हंड्रेड परसेंट इंसेंटिव माना जाएगा यानी कि एक हज़ार रुपये आपको यहाँ से मिल जाएंगे ठीक है सी एच ओ को इनसे आई एन एम और आशा की हम बात नहीं कर रहे हैं प्रपोर्शन ऑफ अर्ली प्रेगनेंसीज रजिस्टर्ड नंबर ऑफ़ प्रेगनेंट वुमेन रजिस्टर्ड बिफोर फोर वीक ऑफ एन सी यानी कि चार वीक जो है एंटीनेटल पीरियड के उससे पहले ही हम कितनी जो है प्रेगनेंसी को रजिस्टर पा रहे हैं टोटल नंबर ऑफ़ एस्टिमेटेड प्रेगनेंसी तो फिर हम उसको टोटल नंबर ऑफ़ एस्टिमेटेड प्रेगनेंसी में हम निकालेंगे तो सेवेंटी फाइव परसेंट अगर एस्टिमेटेड प्रेगनेंसी हम रजिस्टर कर रहे हैं तो सेवेंटी फाइव परसेंट इंसेंटिव मिलेगा और अगर नाइन्टी परसेंट कर रहे हैं तो हमें हंड्रेड परसेंट इंसेंटिव मिल जाएगा दोस्तों यानी कि एक हज़ार रुपये यहाँ पर भी हो गए हमारे फिर प्रोपोर्शन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन रजिस्टर हु रिसीव्ड फोर ए एन सी यानी कि ऐसे वूमेन जो जिनको चार एंटीनेटल चेकअप जो है दिए गए हैं नंबर ऑफ प्रेगनेंट वुमेन रिसिव फॉर एन सी पर शेड्यूल टोटल नंबर ऑफ़ रजिस्ट्रेश प्रेगनेंट वुमेन एन सी इज ड्यू इन रिपोर्टिंग मन यानी कि कितनी महिलाओं का ए एन सी जू था उसमें से कितनी महिलाओं ने चार ए एन सी वहाँ पर करवाए हैं तो अगर आ, मतलब चार महिलाएँ थी तो चार में से अगर तीन ने करवाया तो आपको पचहत्तर परसेंट मिलेगा और अगर चार में से चार ने करवाया है एन तो वहाँ पर चार ए एन सी अगर करवाएं तो आपको हज़ार रुपये यहाँ पे भी आपके हो गए हैं अगर नहीं होते तो साढ़े तीस तो हो जाएंगे दोस्तों वो भी ठीक है ठीक है पर आप कोशिश करेंगे हज़ार रुपये पूरे हो जाए और उसके बाद बात करें तो प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन अप तो टू टू इयर्स एज हु रिसीव्ड इम्यूनाइजेशन तो इसको किस तरह से काउंट किया जाएगा नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु रिसीव्ड इम्यूनाइजेशन एज़ पर शेड्यूल इन मंथ यानी कितने चिल्ड्रंस को आपने इम्यूनाइज़ किया है और उसको उसमें से देखा जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने रजिस्टर हुए हैं इम्यूनाइजेशन के लिए तो अगर 75 परसेंट का किया है तो आपको 75 परसेंट मिलेगा और अगर आपने 90 परसेंट से अबव का कर दिया है तो 100 परसेंट यानी कि थाउजेंड रुपीज़ यहाँ पर भी हमारे पक्के बन जाते हैं बहुत अच्छी बात है प्रपोर्शन ऑफ़ हाई रिस्क प्रेगनेंट वुमन हु रिसीव फॉलो अप केयर मंथली ऐसी कौन सी हाई रिस्क केयर रिस्क प्रेगनेंट वुमन थी जिनको हर महीने फॉलोअप दिया गया तो नंबर ऑफ हाई रिस्क वुमन हु रिसिव फॉलोअप केयर एंड टोटल नंबर ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंट वुमन आइडेंटिफाइड कितनी आइडेंटिफाइड की गई है तो यहाँ पे कोई अपलाइबल नहीं है हंड्रेड परसेंट आपको वो करना है तो आपको हंड्रेड परसेंट इंसेंटिव दे दिया जाएगा दोस्तों उसके बाद प्रोपोर्शन ऑफ न्यू बोर्न हु रिसीव्ड एच बी एन सी विजिट्स मंथली ठीक है ऐसे कौन कौन से न्यू बोर्न थे जिनको एच बी एन सी विजिट मंथली हुए हैं नंबर ऑफ न्यू बोर्न रिसीव्ड विजिट्स एज पर एच बी एन सी शेड्यूल शेड्यूल के अनुसार कितने न्यूबॉर्न ने विज़िट किया टोटल नंबर ऑफ न्यूबॉर्न कितने हैं उस पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में अगर एट्टी परसेंट मदर ने रिसीव किया है एच बी एन सी तो आ, आपको सेवेंटी फाइव परसेंट मिलेगा और नहीं हंड्रेड परसेंट ने किया है तो हंड्रेड परसेंट यानी कि थाउजेंड रुपीज़ यहाँ से भी आपके पक्के हो जाते हैं इसमें भी ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए प्रोपोर्शन ऑफ़ अबाउ थर्टी ईयर्स इंडिविजुअल स्क्रीन फॉर हाइपर टेंशन यानी कि तीस साल से अधिक उम्र वाले लोगों को कितने लोगों को स्क्रीनिंग की हमने उनको जाँच की किसकी हाइपरटेंशन की यानी कि बीपी की 140 फोर्टी बाई नाइन्टी से अधिक है जिनका तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल स्क्रीन फॉर हाइपरटेंशन टोटल पॉपुलेशन अबोव थर्टी ईयर यानी कि किसी गांव में हज़ार लोग हैं तो उसमें से आपको क्यूनिटी मंथली एट परसेंट इंसेंटिव इंक्रीमेंट अब फॉर अबोव थर्टी इंडिविजुअल स्क्रीन फॉर हाइपर टेंशन एंड टू बी रिपीटेड एवरी ईयर ठीक है हर साल उनको रिपीट करना है इफ़ मोर देन नाइन्टी परसेंट अचीवमेंट देन हंड्रेड परसेंट ठीक है अगर नाइन्टी सिक्स परसेंट आपने अचीव किया आठ परसेंट लोगों का करना है हर महीने तो अगर वो आपने कर दिया है बरा नाइन्टी सिक्स परसेंट से तो आपको हंड्रेड परसेंट दे दिया जाएगा पैसा यानी कि थाउजेंड रुपीज़ यहाँ पर भी आपके हो जाएंगे सात हज़ार रुपये हमने कमा लिए हैं अब तक ठीक कमा लेंगे जब भी सी एच ओ बनेंगे बहुत जल्द बनने वाले हैं दोस्तों आप सभी और फाइनलिस्ट भी आ जाएगी प्रोपोर्शन ऑफ अबाउ थर्टी ईर्स इंडिविजुअल स्क्रीन फॉर डायबिटीज़ डायबिटीज़ के लिए सेम चीज़ है एट्टी परसेंट उसमें डायबिटीज़ ठीक है उसमें भी जो है अगर आप एट परसेंट से ज़्यादा लोगों को करना है नाइन्टी सिक्स परसेंट से ज़्यादा करना है तो आपको थाउजेंड रुपीज़ यहाँ पर भी मिल जाएंगे ओके प्रपोर्शन ऑफ पेशेंट ऑफ हाइपरटेंशन ऑन ट्रीटमेंट कितने लोग ट्रीटमेंट पर है टोटल ट्रीटमेंट पेशेंट लास्ट मंथ डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पेशेंट हाइपरटेंसिव कितने हाइपरटेंसिव है अगर थर्टी टू फोर्टी नाइन परसेंट पेशेंट हो रिसीव ट्रीटमेंट अगर तीस से चालीस उन पचास परसेंट लोगों ने ट्रीटमेंट रिसीव किया है तो सेवेंटी फाइव परसेंट और पचास प्रतिशत यहाँ उससे ज़्यादा ने किया है तो कितना होगा हमारा यहाँ पर हंड्रेड परसेंट यानी कि थाउजेंड रुपीज़ एक हज़ार रुपये और मिल गए बधाई हो आपको इस इस तरह से हो गया फिर प्रोपोर्शन ऑफ पेशेंट ऑन डी एम ऑन ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट वाली बात आ गई सेम वाली बात है इसमें भी सेम परसेंटेज यहाँ पर थाउजेंड रुपीज़ ये भी आप जोड़ लीजिए ठीक है प्रोपोर्शन ऑफ कैसेज रेफरिंग फॉर स्क्रीनिंग टीबी के लिए कितने स्क्रीन कर दिए जाएंगे नंबर ऑफ सस्पेक्टेड टीबी रेफर्ड फॉर डायग्नोसिस टोटल नंबर ऑफ एडल्ट पेशेंट अटेंडेड इन ओपीटी ठीक है, है? Opedy, तो अगर थ्री परसेंट और मोर केसेस आइडेंटिफाइड फ्रॉम ओपीडी शुड हैव रेफर्ड फॉर स्क्रीनिंग ऑफ टीबी वी तीन परसेंट से ज़्यादा अगर हम रेफ़र कर रहे हैं तो यहाँ पे भी हज़ार रुपये आपके हो जाते हैं हज़ार रुपये के आपके मिल जाएंगे ग्यारह हज़ार रुपये हमने कमा लिए अब तक चलिए बढ़ते हैं दो तीन हज़ार रुपये और कमाने बाकी है चार हज़ार रुपये और हैं तो ये भी हम पूरे कमाते हैं और वीडियो को एंड करेंगे उसके बाद और सब्सक्राइब करना और बेलकन दबाना आप बोलेंगे नहीं क्योंकि आपको पंद्रह हज़ार रुपये मैंने यहाँ पर वीडियो देख करके कम दी है तो थैंक यू बोलना भी नहीं बुलना मुझे ठीक है नोटिफाइड टीबी पेशेंट हू रिसीव ट्रीटमेंट एज पर प्रोटोकॉल्स ऐसे कौन से कितने पेशेंट थे जिनको जो है प्रोटोकॉल्स के अनुसार ट्रीटमेंट मिला है नंबर ऑफ पेशेंट को कम्प्लीटेड ट्रीटमेंट टोटल नंबर ऑफ टी बी एस्टिटेड कम्पलीटेड पेशेंट यहाँ पे कोई एप्लीकेबल नहीं है हंड्रेड परसेंट ट्रीटमेंट अगर मिल रहा है तो आप हज़ार रुपये यहाँ पर वापस दे दिए जाएंगे एम सी एच एन सेशन हेल्ड अगेंस्ट प्लान एम सी एच एन सेशन कितने जो है हम हेल्ड कर रहे हैं नंबर ऑफ एम सी एच सेशन अटेंडेड टोटल नंबर ऑफ एम सी सेशन हेल्ड कितने आपने सेशन किए हैं कितने लोगों ने अटेंड किए हैं सेवेंटी फाइव परसेंट अगर अटेंड हुए हैं सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ हेल्ड तो मतलब आपने सेवेंटी फाइव परसेंट अटेंड किए हैं तो और नाइन्टी फाइव परसेंट से ऊपर कहे तो आपको हज़ार रुपये मिल जाएंगे सेवेंटी फाइव परसेंट uh, ही अटेंड किए तो ठीक है आपको सेवेंटी फाइव परसेंट पैसे मिलेंगे उसके बाद विलेज मीटिंग्स वी एच एस एन सी विलेज मीटिंग्स कितनी की ठीक है जितनी प्लान की थी टोटल मीटिंग कितनी प्लान की थी हंड्रेड परसेंट अगर ऑर्गेनाइज किया आपने अटेंड की तो आपको थाउजेंड रुपीज़ ये मिल जाएंगे मंथली मीटिंग्स हेल्ड एंड सब सेंटर या फिर आ, जो आपका हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है वहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मीटिंग अटेंड टोटल नंबर ऑफ मीटिंग प्लान तो हंड्रेड मंथली मीटिंग्स ऑर्गेनाइज एंड अटेंड अगर आपने कर ली है तो आपको यहाँ पर पंद्रह रुपये इस तरह से आपके हो जाएंगे ठीक है ए एन एम के पंद्रह सौ हो जाएंगे और जो आशा है उसके नौ सौ नब्बे हो जाएंगे दोस्तों तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों बने रहिए हमारे साथ वीडियो को लाइक करें शेयर करें उन सभी दोस्तों के साथ जो सी एच ओ में सेलेक्ट हुए हैं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच हैवे अ डे